उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने का मामला है। जी हां, युवती के चाचा चाची को धमकी मिली है। आरोपी युवक के रिश्तेदार जो है धमकी दे रहे हैं। फोन कर चाचा चाची को धमकी दी गई है कि जीने नहीं देने और दुकान जलाने की धमकी दी गई है। युवती के परिवार में दहशत का माहौल है और लगातार हम आवाज यही उठा रहे हैं कि समाज को बदलने की जरूरत है। ये देखिए, इस तरीके से अगर धमकी दी जा रही है चाचा चाची को, जो उन्नाव रेप पीड़िता को जिसने जलाया, अभी पुलिस की हिरासत में है चारों लोग। 90% महिला जो है जल चुकी है और इस तरह से धमकी दी जा रही है चाचा चाची को। कौन धमकी दे रहा है, कौन है ये हमारे समाज के बीच में है और धमकी क्या दे रहे हैं? उन्हें भी जला डालेंगे, ये धमकी मिलेगी तो क्या हर जगह एनकाउंटर किया जाए? ये सवाल उठ रहा है। क्यों माहौल ऐसा नहीं है? दहशत के माहौल में क्यों है परिवार वाले? चाचा चाची को दहशत का माहौल क्यों झेलना पड़ रहा है? यही तो आज का सवाल है। सिर्फ एक एनकाउंटर से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जो किया हैदराबाद पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में वो सही था, इसे हम नकारते नहीं हैं। इस वक्त जिस तरीके से जश्न का माहौल है वो बिल्कुल सही है क्योंकि न्याय मिला है, लेकिन इस तरीके से न्याय, ये देखिए, समाज के ऐसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे जो धमकी दे रहे हैं खुलेआम, और इन्हें आप समाज में रहने का भी क्या अधिकार है, ये हमें सोचना होगा। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। रेप पीड़िता जो लड़की जिंदा जलाई गई है, वो आपकी कौन है? हमारी जिठानी की बिटिया है। कौन लोग है जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं? कृष्णा के फूफा। ये कृष्णा कौन है? कृष्णा वही लड़का जो जलाया है। किस तरह की धमकियां दे रहे हैं? तुम्हारी दुकान फूंक देंगे, तुमको उठा लेंगे, तुमको मार डालेंगे, तुमको जीने नहीं देंगे। जो लड़की जिंदा जलाई गई है उससे आपका क्या रिलेशन है? वो हमारे सगे भाई की लड़की है, हम उसके सगे चाचा है। कौन लोग है जो आपको फोन कर रहे हैं? जो उनके फूफा है, जो लड़का जलाया है उसके फूफा लोग फोन किया है हमें कि जो है आपको यहाँ जीने नहीं देंगे, आपकी दुकान भी जला देंगे, आप लोगों को भी यहाँ से उठा लेंगे। मुन्नू विश्वकर्मा है जो कि पीड़िता के दूर के रिश्तेदार हैं। तो आज ऐसी सूचना मिली थी तो जो संबंधित थाना इंचार्ज हैं SHO गंगाघाट, वो मौके पे हैं, सारी तथ्य वेरीफाई कर रहे हैं और हम उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई भी कोताही नहीं होती है।